अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है कश्मीर फाइल्स। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द कश्मीर फाइल्स। हिंदी में कैसे कोई किसी का बलात्कार कर सकता है, कैसे उसकी हड्डी बोटी नोच सकता है, कौन थे वो? गुस्सा आता है देखकर ये। फिर आप कहते हैं कि गुस्सा मत करिए। कैसे ना करे गुस्सा? अरे इस देश का जो असली नागरिक होगा ना, उसका कलेजा चिर जाएगा ऐसी चीजें देखकर। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है, ना कोई मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन अगर उस समय वो आतंकवादी मुसलमान थे तो हर मुसलमान की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके का आतंकवाद ना अपने आसपास पनपने दे और ना ऐसे लोगों का समर्थन करने बाहर आए। मुसलमान बाहर समर्थन करने आ जाते। अगर कोई हिंदू टेररिस्ट होता ना, तो एक भाई हिंदू भाई कोई नहीं खड़ा होता कि हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मुसलमान सारे देखिए समर्थन में खड़े हैं। क्या उस टाइम तो उसकी सरकार थी, उस टाइम तो किसकी सरकार थी? मुझे मतलब नहीं किसकी सरकार थी, मुझे मतलब है मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों का इस तरीके का कांड क्यों किया गया। आप सरकारों को ढूंढते घूम रहे कि किसकी सरकार, किसकी सरकार? छोड़िए किसकी सरकार, किया किसने था? मुसलमानों ने किया था ना, तो आज मुसलमानों को अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। दिखावे वाला बोलना नहीं कि झूठा मैं पॉलिटिकल बोलूंगा। और सब सच बात यह है कि मुसलमान झूठा पॉलिटिकल भी नहीं बोल पाता है। उनके उनके मन की सच्चाई देखिए, मुसलमानों की कितना खराब दिल है उनका। इस मामले में झूठ भी मरम रखने को तैयार नहीं होते। झूठा मरम ही रख दीजिए कश्मीरी पंडित भाइयों के दिल पर, नहीं, झूठा मरम तक नहीं रख सकते हैं लोग। सोचिए कितना इनका दिमाग कट्टर होगा। एक बात ये भी है कि इस मूवी को लेकर जो अगर अभी हम बात करें, बड़े बड़े नेता भी आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मेरे पिताजी को, फारूक अब्दुल्ला को बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत हालात खराब। कश्मीर में जो भी घटनाएं घटी हैं, फारूक अब्दुल्ला की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, फारूक अब्दुल्ला से, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं है? आतंकवाद पनपता रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुफ्ती जो है, महबूबा मुफ्ती, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सारा आप दूसरों के साथ ठीकरा फोड़ के बैठ जाएंगे? अरे आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सब ने अपनी जान नेताओं के सुपुर्द कर रखी है। आज अगर मोदी जी हैं, सशक्त हैं प्रधानमंत्री, तो उनको सशक्त प्रधानमंत्री कहने में आपके जबान में लकवा क्यों मार जाता है? क्यों लकवा मार जाता है? क्या हुआ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जलन में आप अपने देश को खोखला करेंगे और आप अपनी गलतियों को भी नहीं मानेंगे? सत्ता है आपके हाथ में या नहीं है? जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी हैं, उनको मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो आपने देखा ये किस तरीके से जनता ने अभी सबक सिखाया। जनता आज सबक सिखाना शुरू कर दिया ऐसे नेताओं को जो देश की बात नहीं करते, जो देश के खिलाफ बात करते हैं। या कहते हैं मोदी जी बांट रहे, मोदी जी नहीं बांट रहे हैं। एक कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया तो उसमें बट गए क्या लोग? जी नहीं, असलियत खुलकर सामने आ गई। पहले एक ही पहलू देखते थे आप, मुसलमानों पे अत्याचार हो गया। अरे भाई, सारे मुसलमानों पे अत्याचार ही होता रहा और सारी सरकारें मुसलमानों की समर्थक थीं, तब अत्याचार होता रहा मुसलमानों पर। और जिन कश्मीरी पंडितों पे असल में ये अत्याचार हुआ, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? उसके बारे में आप बस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें तो नरेंद्र मोदी से नफरत करनी है, हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी से नफरत करनी है, ये है मुसलमानों का पैटर्न। वो आपने इस इलेक्शन में भी देखा होगा, इससे पहले वाले दिल्ली के जो इलेक्शन हुए थे एमएलए के, उसमें भी आपने देखा होगा, बस नरेंद्र मोदी ना जीत जाए, कहीं हिंदू भाई सशक्त ना हो जाए। क्यों? जैसे आप अपने ऊपर गर्व करते हैं कि कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी जो भी है, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग मुसलमानों को ज़्यादा हितैषी बनते हैं, तो हिंदू भाइयों का कोई हितैषी ना बने? क्यों ना बने? गर्व होना चाहिए आपको इस तरीके के लोगों पर कि शुक्र है कोई तो आया जिसने हिंदुओं को एक पहचान, मैं बोल रही हूँ एक सशक्त पहचान दी है हिंदुओं को आज। दीदी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक जो इस समय बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जो ये मूवी है, इसको प्रमोशन बड़े बड़े के बॉलीवुड के स्टार हों, चाहे सलमान खान हो, कपिल शर्मा, इन्होंने प्रमोशन नहीं किया। अगर कपिल शर्मा की बात करूँ, उन्होंने अपने शो में इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर को नहीं बुलाया, कैसे देखती हैं आप? नहीं, एकदम गलत है। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका कॉमेडी शो भी था
कि ऐसा मैंने सुना कि कॉमेडी शो है इसलिए वो लोग नहीं आए क्योंकि सीरियस टॉपिक है। क्या कॉमेडी शो एक दिन के लिए सीरियस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता है? ऐसा कौन सी कानून की किताब में लिखा है? ऐसा कौन सी कानून की किताब में लिखा है? आप भी कहीं फिल्मों के उसमें जाते होंगे, जब इंटरव्यू लेते होंगे तो आपका भी माहौल बदल जाता होगा, आप फिल्मों वाली बातें करने लगते होंगे, आप सोशल लोगों से बात करते हैं तो सोशलाइट क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या कपिल शर्मा का शो एक दिन के लिए कश्मीर फाइल के लिए सीरियस नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? सीरियस नहीं हो सकता है तो समझिए वो भी उन्हीं लोगों का समर्थक है जो आप देख रहे हैं, जो इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल रही हूँ मैं स्पेशली। हालांकि बुरा मानते हैं मुसलमान कि आपने मुसलमानों को, लेकिन अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमने क्या क्या गलत काम किए हैं। आज भी देखिए किसी मुद्दे पर भी आप मुसलमान को देश के लिए स्टैंड लेता नहीं देखेंगे। दीदी एक बात ये जानना चाहूँगा, आप द कश्मीर फाइल्स का समर्थन कर रही हैं, आपके खिलाफ भी फतवा जारी कर सकते हैं? नहीं, कौन डरता है इनके फतवों से? क्या उखाड़ लेंगे ये फतवा देकर? आप बताइए, इतने मर्द होते ना तो जाके अभी कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ खड़े हो जाते अगर ऐसी मर्दानगी थी मुसलमानों में। फतवा किन पे देते फिरते? अरे उसने अच्छा बोल दिया, उसने देश के लिए बोल दिया, उसके लिए फतवा। अरे अच्छा बोलने वाले, देश के लिए बोलने वालों के लिए फतवा, और तुम सब मुसलमानों के लिए कौन सा फतवा? अल्लाह पाक का फतवा। माफ़ नहीं करेगा अल्लाह पाक इनको कभी भी। जो इनके ये है ना ड्रामे, इस्लाम धर्म को भी बदनाम करना, ये मुल्ला जो लगाई दाढ़ी और टोपी लगा कर बैठ जाते और मोटे पेट कर करके खा खा के सारी ज़िंदगी, 70 साल किसने खाया मुसलमानों के नाम पर? इन्होंने खाया है। आज मुसलमानों की जो बेइज्जती हो रही है किसने कराई है? पॉलिटिशियन जो सरकारें रही हैं, जिन्होंने मुसलमान गलत था तो शेल्टर दिया, कभी नहीं सिखाया आप गलत हैं यहाँ पर। आज मुसलमानों को सीखना चाहिए कि हम जहाँ गलत थे हमें सुधार किधर करना है, हम कैसे अपने हिंदू भाइयों की वापस वो वाला प्रेम प्यार पाएँ। आज हमसे क्यों गुस्सा है कि आप कश्मीरी पंडितों के साथ भी नहीं खड़े होंगे, देश की कोई बात होगी आप नहीं खड़े होंगे, वंदे मातरम मैं नहीं खड़ा होऊंगा, हिजाब मैं लगाऊंगा, बाहर जीन्स पहनूंगा स्कर्ट पहनूंगा लेकिन हिजाब लगा के जाऊंगा स्कूल में, ये बदतमीजियाँ हैं आपकी। फिर आप कहते हैं मैं भारतीय हूँ, सरकार अगर मुझे देना इनको ठीक करने के लिए थोड़ी ताकत, सही बता रही हूँ आपको, इनको एक लाइन में खड़ा करके सीधा कर दूँ मैं और सिखाऊँ इन्हें देशभक्ति क्या होती है और किसे कहते हैं देशभक्त। एक चीज़ जानना चाहूँगा, कश्मीरी पंडितों को आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा? अगर आपकी नज़र में देखें तो कैसे न्याय मिल सकता है? आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रही हूँ कि हम सब लोगों की एक इच्छा है, ये कोई कंट्रोवर्सी हो रही है होने दीजिए, हिंदू भाई जाग रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हम उनको पुनर्स्थापित करने की तरफ जा रहे हैं? ये तो हमारी सरकार को करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में, आपको पता है वो 2 कदम आगे की सोचते हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनका घर भी मिलेगा और वो वापस वहाँ पर शान से भी रहेंगे, और सरकार जो भी अच्छे से अच्छा कर सकेगी ज़रूर करेगी, ऐसा मुझे अपने प्रधानमंत्री पर यकीन है। लेकिन क्या वहाँ के लोग जिन्होंने भगाया उनको रहने देंगे? नहीं, जिसकी ज़मीन है, एक बात बताइए, मेरा घर है, आप घुस कैसे सकते हैं? आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं मेरे घर में, इंटरव्यू लेने के बाद जाना ही पड़ेगा आपको, आप नहीं बैठ सकते मेरे घर में। ऐसे नहीं भागेंगे तो वैसे भागेंगे। जो कश्मीरी पंडितों की माँ बहन या पिताजी के साथ जिस तरीके का ये विभत्स कांड हुए, वो लोग जिंदा हैं अभी, उनके बच्चे बड़े हो गए 30 साल में, वो लोग खुद बता रहे हैं अपनी जबानी, और आपको क्या चाहिए? मैं बोल रही हूँ तथ्य शायद इससे ज़्यादा खतरनाक है, उतना फिल्म में नहीं दर्शाया जा सकता, आपके आंखों के सामने जो हो रहा होता है और एक फिल्म में दर्शाना, फिल्म में 10% ही दर्शा पाते हैं, 90% फिर भी नहीं दर्शाया गया होगा। तो उस कांड को याद करिए, उस घटना को याद करिए, और उन कश्मीरी पंडितों के दर्द जो दिल में होगा अभी, जो बच्चे ने अपने माँ बाप को कटते हुए देखा होगा, आप उसका दर्द भी तो समझेंगे, या सिर्फ इसको राजनीति का मुद्दा बनाकर, अभी आप हिजाब पे मुद्दा बनाकर घूम रहे थे कि आपको हिजाब हिजाब हिजाब, मैं बाहर जीन्स पहनूंगी लेकिन स्कूल में हिजाब लगा कर जाऊंगी। मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है ये? मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से कि मुसलमानों को कभी देश से प्रेम होगा या नहीं होगा, या सिर्फ वो एक कोट लिखने के लिए मैं भारतीय हूँ? अरे भारतीय कहने से नहीं, एक लाइन लिखने से नहीं होता भारतीय, भारत के लिए खड़े भी होना पड़ता है, भारत के लिए जान भी देनी पड़ती है। अरे हमारे तो फलाने पूर्वजों ने जान दी थी, तुमने तो उनका भी नाम मिट्टी में मिला के रख दिया जिन्होंने जान दी थी। जिन मुसलमान मौलानाओं ने, उलेमाओं ने, जिनका आप दुहाई दे देकर छाती कूटते हैं मुसलमान कि हाय हमारे उलेमाओं ने जान दी है देश के लिए, आपने उनका भी नाम मिट्टी में मिला के रख दिया। क्या हैं आज आप देश के लिए? कहीं
हिजाब का मुद्दा इस तरीके से उठाया और अब आप देखिए कश्मीर फाइल्स। अरे कश्मीरियों का दर्द समझने की बजाय आप एक अलग ही दिशा में दौड़ रहे हैं। अरे मुसलमानों को आज ये सोचने की ज़रूरत है, हमने जो ये कांड किया था, हमने ये जो विभत्स हत्याकांड किया था, भविष्य में हम लोग ऐसा ना करें, उससे सीख लें। और ये ऐसी ऐसी सरकारें जो उन लोगों को सपोर्ट किया करती थी आतंकवादियों को, और कश्मीरी पंडित जो सामने आपके सामने दिख रहे हैं, लाशें पड़ी हुई हैं कटी हुई, उसका दर्द समझिए। मुसलमानों से मेरी अपील है, कृपा कर उनका दर्द समझिए, इसको राजनीति का प्रपंच मत बनाइए। आप जब कश्मीर फाइल्स देखने गई तो आपको कैसा लगा? जब मूवी देख रही थी तो कैसा भाव मन में उत्पन्न हो रहा था? देखिए आंसू अपने आप जार जार निकलने शुरू हो जाते हैं। ये मतलब कोई आपको कहता नहीं है कि देखिए क्या हो रहा है, बस आपके सामने जैसे ही वो दृश्य आता है आपके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आपका दिल कटने लगता है कि कौन है वो इस तरीके का आदमी जो किसी बहन बेटी को इस तरीके से काट देता है, 10 टुकड़े कर देता है। कैसे कोई किसी का बलात्कार कर सकता है, कैसे उसकी हड्डी बोटी नोच सकता है, कौन थे वो? गुस्सा आता है देखकर। ये फिर आप कहते हैं कि गुस्सा मत करिए, कैसे ना करे गुस्सा? अरे इस देश का जो असली नागरिक होगा ना, उसका कलेजा चिर जाएगा ऐसी चीज़ें देखकर। जी जनाब। अच्छा मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि पहले जब शुरू शुरू में कश्मीर फाइल का जिक्र हो रहा था, फिर रिव्यू देखे लोगों के, फिर इस पे जो इश्यूज आ रहे हैं, खबरें आ रही थी, वो देखी, और मेरा इस वीडियो से देखने से पहले का नज़रिया क्या था और अब नज़रिया क्या है, ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था, मैं सच बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि इस तरह की चीज़ों से मसाइल बढ़ेंगे, इस तरह, ठीक है ना, मेरा जो नज़रिया था कि इस तरह की चीज़ों से मसाइल बढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ों से एक दूसरे के दिलों में नफरतें बढ़ेंगी, तो बढ़ सकती हैं, ना हो, नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। और इन चीज़ों को अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, अगर कहीं मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, कहीं पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ है कभी 30-40 साल पहले 32 साल पहले, तो वो जब हुआ है अगर उसको हम अभी हाईलाइट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नफरतें बढ़ेंगी, ठीक है। अब जो इनकी बातों से जो मुझे लग रहा है कि जो इनका मुद्दा है उसकी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने देखा नहीं जो वाइट सारी थी, मैं आपको बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन थी तो सही, लेकिन इनकी जो थी ना नफरत, वो उस वक्त जिन्होंने वो किए थे उनके लिए थी, उनके लिए थी। अभी के जो मुस्लिम हैं उनके लिए नफरत नहीं है इनके दिल में। इनकी अभी मैं आपको थोड़ा सा नज़रिया बताऊं कि इनका मुद्दा ये है कि उन्हें उनका हक दिया जाए, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, एक तो ये हक दिया जाए, अगर उन पे जुल्म हुआ है तो वो माना जाए, ठीक है, उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है या उन्हें बुजदिल कहा गया, उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि वो बुजदिल नहीं थे, उन पे जुल्म हुआ है और इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जुल्म को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और उनका कश्मीर में कितना हक है, कितना हक था, कितने उनके आबा व अजदाद वहाँ से आए थे, पुश्तों की प्रॉपर्टी जो भी थी, ठीक है ना, उनके बच्चे अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो उनके बच्चे अब जवान हैं, ठीक है ना, उनके बच्चे अब जवान हैं, तो इनका मुद्दा सिर्फ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ ये कह रही हैं कि आप मुसलमान हैं, आप कश्मीरी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, तो आपका हिंदुस्तानी होना काफ़ी नहीं है, अगर किसी ने आपको किसी ने अगर उन पर जुल्म किया है, देखो वो जुल्म मुस्लिम पर हुआ है, क्रिश्चियन पर हुआ है या हिंदू पर, आपके सामने अगर किसी पे जुल्म हुआ है, आपको अगर पता चल गया है या पता है, तो आपको कश्मीरी पंडितों का साथ देना चाहिए और फिल्म को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि इसको ये ना समझे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि मतलब ये इतना ज़्यादा एग्रेशन इनका, ठीक है, और दूसरी बात ये जो जिन्होंने कहा किया उन्होंने किया, अभी तो वो मौजूद नहीं है, वो तो मर गए होंगे, खप गए होंगे, उनकी नस्लें मौजूद हैं, जैसे पंडितों की अगर हम बात करें तो उनकी ज़ाहिर सी बात, जैसे वो कह रहे हैं कि किसी की औलाद ने उसके पेरेंट्स को कटते हुए देखा है, तो इस बात के तो मैं बिल्कुल हक में हूँ कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो भी हक है, क्योंकि वो एक अरसे से वहाँ आबाद थे और उनको भाग निकाला गया, उनको इस तरीके से जुल्म सितम का निशाना बनाया गया कि वो भाग निकले या ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, वहाँ से भगाया गया, तो वो तो उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे हिसाब से, ये लाजमी उनका हक है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि जो मेरा घर है वो मेरा घर है, ठीक है ना, अगर आप आए हो तो आप चले जाओगे, नहीं जाओगे तो दूसरे तरीके से जाना ही पड़ेगा आपको,
तो ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनका हक है, जो उनकी चीज़ें हैं, वो उनको मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये, दूसरा पॉइंट मेरे नज़दीक ये है, अभी जो हम हैं, यानी कि मैं हो गए, आप लोग हो गए, तो हमें अपने दिलों में नफ़रतें नहीं पैदा करनी चाहिए इस टॉपिक को लेकर कि जी जैसे आप लोग सोचो कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ, और हम ये सोचें कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ गलत हुआ या मुसलमानों के साथ गलत हुआ, हुआ सबके साथ गलत है। तो हमें बनिस्बत इस पर फोकस करने से कि मुस्लिम के साथ गलत हुआ या हिंदू के साथ गलत हुआ, इस पर फोकस करने से ज़्यादा बेहतर है हम मुसलमानों का साइड लें और आप हिंदुओं का साइड लो, इस पर फोकस करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस पर फोकस करें कि जुल्म हो, चाहे वो किसी पर भी हो, वो इंसान उनका साथ दे, माने, सबसे पहले तो माने, उसे तकलीफ हुई, उसे जुल्म हुआ, उसे मारा गया, वो जो कांड किया गया वो किसी के साथ भी किया गया, जिन जिन लोगों के साथ किया गया उनके साथ आपको हमदर्दी करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मानना चाहिए। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि कम से कम झूठे मुँह भी तो साथ दे दो, उन्हें का झूठा मरम रखने चले, आपके दिल में नहीं है वो इंटरेस्ट, कितनी बड़ी बात, प्यार नहीं, कितनी बड़ी बात। और आप ये बात बहुत 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 नाइस करी उन्होंने कहा कि आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो प्रेम, वो प्यार वापस हो हमारे बीच, बिल्कुल ठीक है ना। वो जो मार काट हुई है, वो जो जुल्म सितम हुआ है, वो जो हत्याएं हुई हैं, उनको मद्देनजर रखकर अब हम अपने मामलात ऐसे रखें आपस में कि अब हमारे बीच में वो प्रेम, वो प्यार हो जो पहले था। ये जो बीच में जो मामलात हुए हैं, इनसे लेसन हासिल करें, इससे सबक हासिल करें। तो मैं ये कहूँगी ये दो पॉइंट हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, और इनके बीच में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है कि मैं जैसे एज अ मुस्लिम मैं ये सोचूं कि नहीं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत हुआ, उन्होंने करा, वो ये सोचें कि पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ, इन्होंने करा। तो अब हम तो नहीं थे ना, बिल्कुल आप कहेंगे मैं नहीं था, मैं कहूँगी मैं नहीं थी, वो जो भी थे, जो लोग थे, वो तो सज़ा के काबिल थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। और जहाँ तक मैं ये सोच रही हूँ कि ये 30 साल 32 साल इस मामले को जो दबा के रखा गया है, तो इसके पीछे भी यही राज और यही रीज़न था कि फसाद रहा। अभी जो पॉलिटिशियन है उस दौर में, जो पॉलिटिशियनों के वालदैन थे, पॉलिटिक्स में थे उस वक्त कश्मीर की, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उमर अब्दुल्ला, तो उन वो कह रहे हैं कि ये हमारे पेरेंट्स को, हमारे वालदैन को निशाना बनाया गया है, इन पे एक तरह से इल्ज़ाम लगाया गया है इस फील्ड में। तो जो भी उस वक्त थे और उनके सामने ये चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने अगर इस चीज़ को दबाया है तो उनको नाम तो आएगा। अगर किसी वक्त ऐसी चीज़ें हुई भी हैं तो उसको सबसे पहले तो मुस्लिम्स या कोई भी लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन क्या होगी, वो कह रही हैं कि लेडीज़ के जिस्म के टुकड़े किए गए, बोटियाँ, जिस्म के टुकड़े, कपड़े, मैं कह रहा हूँ कि क्या जानवर थे, क्या उनके अंदर सेंस ख़त्म हो गई थी, क्या उन्हें कोई ऐसे इंजेक्शन लगाए गए थे उन लोगों को जिनसे ये काम करवाए गए थे कि आपने सोचना नहीं है, आपने दिमाग यूज़ नहीं करना, आपने एक मज़लूम पे, एक जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है, एक औरत होती है वो मर्द के साथ क्या मुकाबला करेगी जिस्मानी। आपको याद है कि जब वो चावलों वाला सीन आया था, जो खून में रंगे हुए चावल दिए जा रहे थे, तो वो सीन देखकर सिर्फ मैं देखकर लरज गई थी, और मैंने कहा जिस पर गुजरी होगी उसके क्या हालात होंगे, छोटे छोटे बच्चे और वो पेरेंट्स इस तरीके की जुल्म सितम का शिकार हो रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे, बच्चे कोई अंधे तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है, और बेशक छोटे थे लेकिन ये तो पता है कि कोई मर रहा है, ये तो पता है कि मेरी माँ को कोई काट रहा है, ये तो पता है मेरे बाप को कोई मार रहा है, इतनी तो सेंस किसी भी बच्चे में होती है। तो उस वक्त क्या हालात होंगे, और फिल्म में बहुत अच्छी मंजरकशी की गई है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने रियलिटी बहुत हद तक रियलिटी दिखाई है, लेकिन वो वाकई सही कह रही हैं कि वो शायद 10% भी नहीं दिखा पाए होंगे कि जो उन्होंने सहा होगा उस वक्त के पंडितों ने, उस वक्त के मासूम लोगों ने जिनके साथ ये अत्याचार हुआ, वो दिखा भी नहीं सकते इतना ज़्यादा, ना हम देख सकते हैं, ना हम अनुमान लगा सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं, और ना वो लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं उनकी औलादें, वो जो अभी मौजूद हैं, ना ही उसकी वीडियोग्राफी हो सकती है, जिस कह रहे हैं कि 10% ही दिखाया गया है, जो हकीकत इससे ज़्यादा दर्दनाक है। उस पे इतना मैं तो ये कहूँगी इतना मतलब हलचल मच चुकी है उस फिल्म को लेकर। अच्छा एक चीज़ और है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि आज के दौर में कम्युनिकेशन, ये मीडिया या मूवीज़, इसका कितना इन्फ्लुएंस है, इसका कितना ज़्यादा इसका असर पड़ता है माशरे पे। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा जलसा किया जाता, उसके अंदर ये सारी तकरीरें होती, वो भी इतनी असरअंदाज नहीं होती, देखिए ना उसके, लेकिन एक मूवी के थ्रू आपने समझे, हिला दिया पूरे हिंदुस्तान को, हिला के रख दिया इस मूवी ने। कई मूवीज़ आती हैं और जाती हैं, लेकिन इस मूवीज़ ने बाकायदा लोगों को हिला दिया है, लोगों को हकीकत पता चली है, आंखें खुल गई हैं लोगों की। और इसलिए इस फिल्म के ऊपर, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं
विवेक अग्निहोत्री, तो उन्होंने भी बताया कि भाई इस फिल्म को करने के बाद बड़े रिस्क हो सकता है, जान को खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था अपने इंटरव्यू में, और जैसे उन्होंने कहा कि मतलब कॉमेडी शो है कपिल शर्मा का, उसमें उनको नहीं बुलाया गया, उन्होंने कहा कि कॉमेडी शो है, लेकिन बाकी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब आप हर किसी की मूवीज आ रही है, न्यू मूवीज आने वाली होती है, चाहे वो कॉमेडी हो कोई भी, वो सीरियस टॉपिक्स पे भी हो, तो वो बुलाते हैं, वो अपनी मतलब चिल माहौल होता है उनका, नहीं रखते वो वाला चिल माहौल नहीं रखते वो इतना, लेकिन ये है मतलब कि वो अपने शो को उस कंट्रोवर्सी में ना जाए, उस वजह से उन्होंने अपने बाजू बचा लिए। लेकिन एक बात तो तय है, इस मूवी के बाद अब सिर्फ और सिर्फ जब कश्मीर का नाम आएगा तो ये बात नहीं होगी कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, बल्कि ये बात भी होगी कि मुसलमानों के साथ साथ पंडितों पर भी बहुत जुल्म हुआ है। और हो सकता है कि जैसे हमारे मीडिया ने हमें दिखाया है कि मुसलमानों पर जुल्म, हम तो बचपन से देख रहे हैं अपने टीवी पे, तो पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ या है, वो क्या जो नहीं हुआ है, या वो जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ है क्या वो लोग थे कि जो वहाँ पे फसाद कर रहे थे। मुझे याद रहेगा एक डायलॉग उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरियों की तो बात करते हैं, कश्मीरियों से बात नहीं करते, तो वो मैं ये कहूँगी वो पूरा निचोड़ है, वो जो हम बातें करते हैं ना बात से बात, तो बेहतर ये है कि जिन पे आप भी थी है ना, जिनकी जिन्होंने सहा है जिन्होंने देखा है, हम उनसे बात करें कि क्या मामला थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर ये है कि बहुत जज्बात में बात कर रही थी, बहुत ही मतलब है कि इन्होंने इस चीज़ को देखा समझा और एक एक लफ्ज़ इनका बता रहा था कि इन्हें कितना दुख है, इन्हें इस हकीकत का पता चला है, तो और वो बाकायदा बहुत ही फुल्ली सपोर्टेड उन पंडितों के साथ हैं जिन पे जुल्म हुआ, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुई, तो मतलब जितना मतलब इन्होंने सपोर्ट करना था किया इन्होंने। खैर एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कश्मीर फाइल से रिलेटेड, और कश्मीर फाइल का इफेक्ट मैं देख रहा हूँ कि उसका बहुत ही नहीं होगा, आप देख लीजिए। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।